Hey guys, it's me Deepak back again with another video. तो guys, आपने मेरा पिछला शूज का वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो इधर मैं आई बटन में दे दूंगा। तो मैंने शूज बनाए थे, मैंने उन्हें स्प्रे पेंट किया था ब्लैक वन, और अभी मैं नप्पू हॉल गया था। नप्पू हॉल भी आपको पता नहीं है तो इधर भी आई बटन में दे दूंगा। उधर से मैं शूज खरीदता हूँ, काफी चीप रेट में खरीदता हूँ, 750 रुपीज में मैंने ओरिजिनल ऑल स्टार कॉन्वर्स के जूते खरीदे। तो उधर गया था देखने को ऑल स्टार के कॉन्वर्स, तो मैंने ब्लैक कॉन्वर्स देखे और जो मैंने बनाए हैं ब्लैक कॉन्वर्स वो उनसे ज्यादा बेटर दिख रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई रियली वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने जो कॉन्वर्स बनाए उनमें एक बहुत अजीब सी शाइन है, बिकॉज जो स्प्रे पेंट है ड्राइज आउट ग्लॉसी, तो जो उसकी चमक थी वो ओरिजिनल मैट वालों से काफी ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी कि हम लोग का जो DIY है इट लुक्ड बेटर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो DIY बनाने के बाद बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करके बताया कि दीपराज प्लीज मेक अ रेड शूज DIY एज वेल, क्योंकि रेड शूज काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं गाइस। सेलिब्रिटीज रेड स्नीकर्स पहन रहे हैं, इधर मैं आपको फोटोज दे देता हूँ, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं वो शूज। मॉल गया था, मॉल में मैंने देखा कि किधर रेड शूज अवेलेबल है। रेड शूज अवेलेबल ऑब्वियसली थे, बट 4,000, 5,000, 10,000 इतने महंगे महंगे शूज, ऑब्वियसली आई कैन अफोर्ड इट, बट इतना पैसा खर्च करने का मन नहीं कर रहा था। और गाइस पैसे खर्च करता तो भी वो संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट और मैं ये सारी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक अ रेड शूज DIY, जिससे आप सभी के घर पे जो भी जूते होंगे उनको मैं पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक रेड शूज बनाऊं जो अभी ट्रेंड हो रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है फैशनेबल फील कर सके। और आपको पता है स्प्रे पेंट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इवन दिस स्प्रे पेंट दैट आई हैव इट इज अराउंड 220 रुपीज का मुझे पड़ा। तो आप देख सकते हो इट इज अ रेड स्प्रे पेंट, और रेड स्प्रे पेंट से हम लोग बना सकते हैं रेड शूज। तो मुझे पता नहीं कैसे बनेंगे जूते, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सोच के ही कि हम लोग अपने जूतों को रेड करने वाले हैं घर पे। आप देख सकते हो जूतों की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, पर जो पूरा सोल है वो फ्लैट हो गया है। तो शूज में जो थ्रेड्स होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शूज पहन के मैं ट्रैक पे भी गया था विकटगढ़, और मैं काफी ज्यादा स्लिप हो रहा था, इन शूज की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी क्योंकि पूरे फ्लैट हो गए। तो कभी भी फ्लैट शूज पहन के ट्रैकिंग पर मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हो शूज की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है, ये शूज काफी ज्यादा हल्के थे, इनमें जॉगिंग करना इज अ ब्लिस। तो अराउंड 750 के कुछ थे, पता नहीं अभी कितनी प्राइस हो गई है, क्योंकि पुराने 2 साल हो गए इनको, और अभी भी ये मॉडल अगर लोटो बेचता रहेगा तो मैं इसकी एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कोई भी लिंक से परचेस करते हो जो डिस्क्रिप्शन में है तो थोड़ा सा मुझे एफिलिएट कमीशन मिलता है, जिससे चैनल को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और गाइस मुझे आपके लिए DIYs बनाना काफी ज्यादा पसंद है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे आपने रिस्पॉन्स दिया कि डीप लाइक मेक रेड शूज मेक सम काइंड ऑफ DIY, आई वॉज प्रीटी हैप्पी एंड आई वॉज ओवरवेल्ड, बहुत ऐसे दिल से खुशी हुई मुझे। और गाइज मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पहुंचे हैं 80,000 सब्सक्राइबर मार्क पे, और उसको हम लोग ने क्रॉस भी कर दिया है। गाइज सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का चैनल 1 लाख तक ले जाइए। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे भी गिव अवे किया था, 1 लाख पे भी शायद से कुछ गिव अवे करूँ। तो गाइज इधर आप देख सकते हो मैंने डीप लाइफ लिखा है, इधर मैं पहले लिखता था 1,000+ सब्सक्राइबर्स, 1,500+ सब्सक्राइबर्स, और अभी 80,000+ सब्सक्राइबर्स, इतनी बड़ी फैमिली हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे वीडियोस देख के आई होप आप में थोड़ी पॉजिटिविटी भरती हो, आपका दिन थोड़ा अच्छा होता हो। यही हमेशा मेरा मोटिव होता है कि आप लोगों का दिन काफी ज्यादा अच्छा जाए, अगर खराब जा रहा रहेगा तो आपके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाए। मुझे बहुत सारे हार्ट टचिंग मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, और तभी मैं फील कर पाता हूँ कि मैं इतना सा ये जो छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ ये आप लोगों की लाइफ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। वेल गाइस बातें तो बहुत कर ली, अभी विदाउट any further ado let's start with the shoes का DIY। बहुत लोगों ने एक question पूछा था कि ये shoes का material रहता है, ये जो सारा mesh रहता है उसपे spray paint चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, अभी मुझे तो ये पता नहीं, पर चिपकना तो चाहिए। तो कपड़े से साफ करने के बाद शूज काफी हद तक साफ हो गए, आप देख सकते हो अभी भी पर थोड़ी डर्ट है। अगर आपको अपने शूज पे परफेक्ट फिनिश चाहिए तो आपको शूज काफी अच्छे से धोने पड़ेंगे, वॉशिंग पाउडर डाल के एकदम चकाचक करने पड़ेंगे, पर अभी मैं वीडियो पर्पजेस के लिए ये नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और अगर मैंने अभी शूज धो दिए तो ये वीडियो कभी आ ही नहीं पाएगा बाहर। और गाइज अभी एक्चुअली इन पे स्प्रे पेंट करने का मुझे मन नहीं कर रहा है, क्योंकि शूज काफी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं अपनी रूम की सारी विंडोज खोल देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं स्प्रे पेंट। पेंट करते टाइम हमेशा मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो भी मास्क तो पहनना है, क्योंकि स्प्रे पेंट के जो फ्यूम्स होते हैं वो आपके नाक में जाके आपके नाक को खराब कर सकते हैं और आपको काफी ज्यादा सर्दी हो सकती है।
अभी मेरा मास्क भी टूट गया है यूज कर करके। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद आवर फर्स्ट शू। चलिए शुरू करते हैं। लालम लाल। पकड़ के स्प्रे पेंट करना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मैं नीचे रख के स्प्रे पेंट कर रहा हूं अभी और मुझे लगता है बहुत ज्यादा कोट्स लगेंगे। तो अभी मैं यूआईसी स्पेस जाके आया और मेरे दादी के पास एक शू रैक है, तो उस शू रैक में मुझे कुछ क्रॉक्स मिले। अभी ये क्रॉक्स मेरे नहीं है और आप देख सकते हो क्रॉक्स की भी हालत काफी ज्यादा गंदी है। दीज आर अनक्लेम्ड, पता नहीं किसके रहेंगे। इधर जो भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या ये क्रॉक्स तुम्हारे हैं, तो एवरीवन रिप्लाइड कि दीज आर अनक्लेम्ड, किसी के भी नहीं है। तो अभी इनको हम लोग करने जाने वाले स्प्रे पेंट, तो मैं इनको भी रेड स्प्रे पेंट करके देखता हूँ कि क्रॉक्स कैसे दिखते हैं। तो गाइस शूज स्प्रे पेंट करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहे हैं। तो आज मैं बाहर जाने ही वाला हूँ, तो आई विल सी इफ आई फाइंड रेड शू लेसेस। तो गाइस मैं क्रॉक्स के साथ भी सेम करूंगा, पहले क्रॉक्स को साफ करूंगा और फिर हम लोग करेंगे उन्हें स्प्रे पेंट। तो क्रॉक्स के साथ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्रॉक्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये सारी प्रोजेक्ट्स गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज ट्राई करने से पहले, सारी चीजें इंटरनेट पे हो, सारी चीजें आपके सामने हो, आप जब करो तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। एज यू कैन सी इसके अंदर भी स्पाइडर वेब्स और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो लाइफ में मैंने कभी क्रॉक्स पहनने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे क्रॉक्स काफी ज्यादा वियर्ड लगते हैं, उनकी डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। ऐसे नहीं कहूंगा कि बकवास होती है, इट इज क्वाइट यूनिक, यूनिक चीजें अच्छी होती है, पर मैंने कभी क्रॉक्स को ट्राई नहीं किया। अभी भी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जो इन्हें पोछा, इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अभी। और गाइस अभी शाम का टाइम है, मेरे डैड के आने का टाइम है, क्रॉक्स हो गए साफ, तो इसलिए मैं नीचे जाऊंगा मेरी बिल्डिंग में और नीचे स्प्रे पेंट करूंगा, क्योंकि जब डैड रूम में आएंगे तो आई वॉन्ट द रूम टू स्मेल फ्रेश। उनको स्प्रे पेंट का फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उनको इरिटेट नहीं करना, इसलिए जाते हैं मेरे बिल्डिंग में नीचे। आई रियली होप इट डजंट रेन नाउ गाइस। And I also wanted to show you my shoes. तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे ये पेंट वाटरप्रूफ है या नहीं, तो हाँ वाटरप्रूफ है, ये पानी से जाता नहीं है, बट ये पेंट चिप होता है, क्लॉथ पे से चिप बिल्कुल नहीं होगा। पर जब आप रबर पे अप्लाई करोगे तो पेंट थोड़ा चिप होता है, आप देख सकते हो इधर से थोड़ा चिप हो गया है। मैं शूट कर रहा था और जिस चीज का डर था वही हुआ, अभी बारिश शुरू हो गई है बट शूज भीगे नहीं, आई वॉज एबल टू सेव माई शूज इन टाइम। और गाइज मैं अभी बाहर गया था, बहुत बारिश हो रहा है, तो आई वॉन्टेड रेड शू लेसेस। रेड शू लेसेस नहीं मिलते तो डी आई वाई काफी हद तक फेल हो जाता, और मैंने इन ब्लू लेसेस को रेड एक्रेलिक पेंट मारने को ट्राई किया, पर आप देख सकते हो कैसे नतीजा आया, मरून जैसे हो गए, एंड इट इज नॉट वर्किंग, आई जस्ट कीप इट हियर। तो मुझे रेड शू लेसेस मिले, कलर डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा है। और मैं मोची के पास गया, कॉबलर के पास गया, तो कॉबलर मुझे 60 रुपए में लेसेस सेल कर रहा था, दूसरे कॉबलर के पास गया वो 50 में सेल कर रहा था, बट आई गॉट दी शू लेसेस ओनली फॉर 15 रुपीज। तो एज यू कैन सी माई मॉम इज हेल्पिंग मी विद दोस। तो ये लेसेस क्रिस क्रॉस डालने रहते हैं, अगर यूट्यूब पे मुझे लिंक मिली कि लेसेस क्रिस क्रॉस कैसे डालते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अंदाजा आ गया रहेगा शूज की लुक कैसे आ रही है। एज यू कैन सी दिस पार्ट पे मैंने बहुत सारा स्प्रे पेंट मारा, पर तो भी ये जो ब्लैक पार्ट है वो इतना ज्यादा रेड नहीं हुआ, और शू काफी ज्यादा मजबूत हो गया है आफ्टर पेंटिंग इट, एंड ये काफी हद तक अभी वाटर रिपेलेंट हो गया रहेगा। इस पे पानी गिरेगा तो भी पानी इसके अंदर आसानी से सीप नहीं होगा क्योंकि एक्रेलिक पेंट काफी हद तक वाटर रिपेलेंट होता है। सो गाइस इट इज अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ, मैं ये सीक्वेंस नीचे आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि माय डैड वाज स्लीपिंग, आज हमें जाना है फटाफटी। एंड बाय द वे गाइस दिस इज हाउ द शूज आर लुकिंग लाइक, सो अकॉर्डिंग टू मी The shoes are looking pretty fantastic. तो इन shoes के material से paint आसानी से chip नहीं हो रहा है. We got some beautiful laces for 15 rupees. And now guys talking about the Crocs, तो Crocs पे DIY बिल्कुल try मत करना क्योंकि Crocs के material से paint chip होने लगा. जैसे ही मैंने Crocs पहने तो नीचे का material आसानी से chip हो गया. So when I walk the Croc bends over here. So, आप देख सकते हो इधर एक बड़ा सा स्कार हो गया है, एंड इफ यू डोंट माइंड क्रॉक्स दैट आई हैव चिप्ड थोड़ा सा, तो दिस डीआईवाई कैन आल्सो वर्क ऑन क्रॉक्स, आप इस पे और थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट छिड़क सकते हो एंड यू कैन कस्टमाइज योर क्रॉक्स, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो गाइस शूज कुछ इस तरह दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में पहन के भी बताऊंगा, एंड अगर आपके पास जॉर्डन्स है तो जॉर्डन्स पे डीआईवाई ट्राई करना। मेरे पास पुराने स्पोर्ट्स शूज थे इसलिए मैंने उन्हें कलर कर दिया। डीआईवाई पुराने शूज पे ट्राई करना, नए शूज पे ट्राई मत करना क्योंकि मेरे बहुत सारे यंग फॉलोअर्स है और आपको अपने मॉम डैड से मार पड़ेगी।
दिस DIY वॉज अ बिग सक्सेस बट ऑन द क्रॉक्स इट फेल्ड. तो हमें ये बात पता ही नहीं चलती अगर हम कभी ट्राई ही ना करते. और एक क्वेश्चन था कि डज द पेंट स्टिंक. तो यस द पेंट स्टिंक्स फॉर सम टाइम. अभी मैं इन शूज को एक दो दिन इस्तेमाल करूंगा तो उनका पूरा फ्रेग्रेंस जो गंदा वाला है पेंट वाला है वो चला जाएगा. आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट बिकॉज आई पेंट अ लॉट. और गाइस इस DIY में अगर आपको लेसेस मिले तो बहुत ज्यादा लुक आएगा शूज को. अगर आपको लेसेस नहीं मिले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. और एक चीज हम लोग को समझिए, कंजूसी मत कीजिए. मोची के पास जाने से अच्छा है स्पोर्ट्स के शॉप में जाइए और उधर से लेसेस खरीदिए, आपको सस्ते में पड़ेंगे उधर से. सो गाइस ओवरऑल दिस वॉज अ प्रीटी सक्सेसफुल वीडियो. अगर आपके पास पुराने शूज है विच रिसेंबल जॉर्डन्स, या यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस DIY ऑन ऑल स्टार कॉन्वर्स. आई नो रेड शूज काफी ज्यादा फ्लैशी लगेंगे, पर गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है आप उतने ज्यादा कूल हो कि आप रेड शूज कैरी कर पाओगे एकदम बिंदास आसानी से. अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा तो उधर मैं बहुत सारा फैशन रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो जाके मेरा इंस्टाग्राम देखिए. तो अगर आप ये DIY ट्राई करोगे तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है. आई विल बी रियली हैप्पी टू सी हाउ योर शूज टर्नड आउट टू बी. वैसे कई सारे आर्ट रिलेटेड कंटेंट, DIY रिलेटेड कंटेंट और ब्लॉग्स के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा. एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी अपलोड बाई मी, गो डाउन एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन दबा के भी ऑल कर देना. मतलब आपको हर एक नोटिफिकेशन आएगा व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो. सभी लोगों में वो सोया हुआ कलाकार है जो जुगाड़ू है, जिसको आपने मार दिया है उसको आप फिर से जिंदा करिए. मुझसे इंस्पायर होके थोड़ा आर्ट बनाइए, थोड़े क्रिएटिव बन जाइए. दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.